हिसार जिले में, हिसार जिले में बनबोरी के पास ये तला गया, ये तला गया। एक्सपर्ट आवाज देना चाहिए मुझे होने। तो इसका बारे में बात करते हैं। वैसे ये लास्ट कट भी सही होता है। और जिला हिसार उत्तर शुरू हो गए। हां लास्ट गांव में जिला हिसार का। हां हिसार की शुरू लास्ट है जिंदगा। हां इतना मोटा सांप मैंने भी पहली बार पकड़ा। अच्छा रहा। हाँ मैं पकड़ दे रहा हूँ ये सांप, लेकिन इतना मोटा नहीं। कोई नहीं कोई नहीं बस भाई बस। काट भी सकता है, चेहरे पे मार कर सकता है। ये जल्दी पैक कर लेंगे, कट्टा पड़ा है इसमें, लेगा ये जल्दी। बहुत गुस्से में और ये जोड़ा में है। और यहाँ पर कुएं में काफी खुदाई करने के बाद आपको दिखाएंगे। और हम आए हैं जिला हिंद बनबोरी के पास, गांव है, कौन सा गाँव है जी? हिसार जिले में है ये, हिसार जिले में बनबोरी के पास कौन सा गाँव है? छान गाँव है, छानी गाँव बोलते हैं इसको। और हमारा भी करीब 80 किलोमीटर है। अभी पिछला शाम भी है। और ये बाहर जरूर आएगा क्योंकि अभी मौसम है, बरसात तो हो गया है। दोस्तों दूसरा सांप भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सांप है, दूसरा तो लेके जाना पड़ेगा, नहीं लोगों में भय होता भी एक यहाँ रह गए तो लेके उसको भी कोशिश करते हैं। इतना सत्यानाश करते हैं अनाज का, तो ये हमारे अनाज की रक्षा करते हैं, हमारे ही मित्र हैं। चलो दूसरा भी सांप पकड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या कड़ा गोली कड़ा पानी दिखाई दे एक सांप और दिख चुका है, लेकिन खुदाई करने के बाद ये जो सांप है वो जोड़ा में से नहीं है। ये दूसरा सांप मिला है, इंडियन रेड सैंड बोआ, यानी जिसको दो मुआ सांप भी बोलते हैं। देखते हैं अभी तो दिखा ही है कहाँ तक गया है। बिल काफी गहरा है, खुदाई करनी पड़ेगी, आगे देखते हैं। कट दिया, क्लियर दिखा, नजदीक से, नजदीक से दिखा। ये तड़ा गया, ये तड़ा गया ना, वो न्यारा सही दो तड़ा गया, न्यारा था भाई। ये तो मट्टी खाना है मेरे, रेड सैंड बोआ, दोनों दो मुंह सांप बोलते हैं, उनसे अलग है। जो जोड़ा साहब कह रहे थे उनसे अलग है, और ये और भी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बिल काफ़ी सारे हैं, पुराना कुआ है। देखते हैं, इसको तो पैक कर लेते हैं। कोई कट्टा जोड़ा है जी, कोई हेलो यार, कट्टा को ले रहा है, दो कट्टा देखिए कुकर है ये तो, उसका टीयर जा डहे में जाए, उसका टीयर उसे के अंदर कट्टा ले बाज के थोड़ा उसे के में कौन ठीक के ना, इसमें पैर देखो 20 फुट की टेप ले रही है, अभी पाट ही पड़ी है। दोस्तों आज हम पहुंचे थे जिला हिसार, गांव छन्नी, छन्नी गांव था हिसार का, और वहां पर कुएं में दो जोड़ा सांप देखे गए थे। हमने एक सांप तो काबू कर लिया था, लेकिन एक 20 फीट गहरा चला गया था, और कुआ पूरा का पूरा कुआ ही गिराना पड़ता जेसीबी के साथ, या खुदाई ज़्यादा करनी पड़ती, तो उन्होंने मना कर दिया था। उस सांप के बारे में उनको बताया था, और साथ में एक दूसरा जिसको दो मुँह सांप बोलते हैं वो भी निकला था। दोनों बारी बारी करके सांप छोड़ते हैं, पहले जो बड़ा रेड स्नेक निकला था वो छोड़ते हैं। मेरे कैमरामैन का भी नाम कुलदीप है, और मैं इनसे कहना चाहूँगा इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाई, इसकी मोटाई दिखाने की कोशिश करें, ताकि इसको मैं हाथ में लेने जाऊँगा। चला गया, थोड़ा मोटा दिखा होगा, बहुत मोटा सांप, और दूसरा सांप दोस्तों वहीं से निकला था। और इस सांप के बारे में वहाँ के लोग कह रहे थे भाई ये लाखों रुपए में सांप बिकता है, लेकिन आपको बता दूं मैं, सांपों की तस्करी करना कानूनन अपराध है। उनके बारे में ऐसी जानकारी, ऐसी रेस्क्यू आपको देखने हैं, ऐसी रिलीजिंग देखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा काम पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास मेरी वीडियो शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा सांपों के बारे में लोगों को जानकारी बढ़ेगी, भ्रांतियाँ निकलेंगी, लोगों की डेथ रेट तो कम सांपों के कारण से होगी। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसी वीडियो में मिलते हैं।